Assalamu alaikum everyone, this is Jazib and welcome to my YouTube channel and my first ever YouTube video. और आप इसको मेरा अब तक का सबसे पहला वीलो कह सकते हैं. तो इसमें वैसे आप आपको कैमरे में सामने जो है एक ये स्मार्ट वॉच एक नज़र आ रही होगी, एक प्रोडक्ट है. तो बिल्कुल आप ठीक सोच रहे होंगे, मैं आपके साथ इस प्रोडक्ट की एक तो अनबॉक्सिंग करना चाह रहा था और दूसरा ये कि क्योंकि ये मेरी अभी तक की जो है ये मेरी पहली YouTube पे वीडियो है, तो एक तो उसमें मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन भी अपना इस जो है YouTube का देना चाहूँगा, अपने चैनल का. तो बाकी उससे पहले जो है आपने एक काम लाजमी करना है, वो ये कि आप लोगों की मुझे जो है सपोर्ट की का बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी. तो आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है, मेरी वीडियोस को लाइक करना है और शेयर लाजमी करना है. और उसके अलावा जो कमेंट्स सेक्शन है वहाँ पे आप लोगों ने अपनी सजेशंस, अपनी रिकमेंडेशंस देनी है ताकि कि मैं अपनी मज़ीद आने वाली जो भी वीडियोस हैं उसमें किस किस्म के जो है कंटेंट यूज़ करूँ या क्या जो उसमें इम्प्रूवमेंट्स मैं ला सकता हूँ. तो वो सारा कुछ आपने वहाँ पे ज़रूर मेरे साथ डिस्कस करना है. बाकी लास्ट में बेल आइकॉन ज़रूर आपने जो है अपना क्लिक कर लेना है ताकि आपको टाइमली सारी मेरी वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे. तो सबसे पहले अगर मैं YouTube चैनल के ऊपर आता हूँ तो बेसिकली कोई मैं ये नहीं कहूँगा कोई किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए मैंने चैनल बनाया या इसमें कोई किसी प्रोडक्ट की कोई अनबॉक्सिंग है या टैक्स रिलेटेड है या मतलब किसी भी कोई स्पेसिफिक चीज़ के बारे में तो नहीं, लेकिन आप इसको एक मल्टीपर्पज़ चैनल ज़रूर कह सकते हैं जिसके अंदर मैं आपको अपनी मेरी जो भी मेरी थॉट्स हैं, मेरी ओपिनियंस हैं या जो भी इवन के कोई भी चीज़ है, कोई स्पेसिफिक इवेंट है या कोई स्पेशल मोमेंट या मेरे लाइफस्टाइल से रिलेटेड कुछ भी अगर मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँ तो मैं उसके लिए डेफिनेटली आप लोगों के साथ शेयर करूँगा थ्रू माई वीडियोज़. और इसमें हमारे सामने जो ये एक आपको प्रोडक्ट नज़र आ रही है इसकी भी खैर एक मेरा एक पर्सनल एक एक्सपीरियंस इसके साथ जुड़ा हुआ है, एक पूरी इसके पीछे एक छोटी सी एक स्टोरी भी है और मैं कोशिश करूँगी वो भी आपको एक्सप्लेन करूँ. और मैं चाह रहा था कि मैं आप लोगों के साथ वो भी जो एक मेरा एक्सपीरियंस इस प्रोडक्ट के साथ है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ. तो खैर अभी काफ़ी लेंथी हो रही है वीडियो, तो अभी डायरेक्टली चलते हैं इस प्रोडक्ट की तरफ. तो बेसिकली ये है हमारे पास एक इसको की सेलेक्ट बोलेंगे या काई सेलेक्ट, आई थिंक की सेलेक्ट ही बोलेंगे इसको. तो ये की सेलेक्ट की एक स्मार्ट वॉच है और इसमें इस बॉक्स के ऊपर सबसे जो मेन आपको एक इसका हाईलाइटेड फीचर नज़र आ रहा होगा वो है ये कॉलिंग वॉच KR. तो ये एक इसका सबसे मेन हाईलाइटेड जो एक फ़ीचर है. इसके अलावा सेकेंड जो है इसका फीचर जो सबसे ज़्यादा उन्होंने हाईलाइट किया वो है वर्ड थर्ड 2-in-1 कोर्ड कॉलिंग चिप, यानी कि उन्होंने इस वॉच के अंदर एक स्पेसिफिक जो है एक अच्छी क्वालिटी का प्रोसेसर उन्होंने इंस्टॉल किया है जिसके थ्रू आप इसमें एक ज़्यादा बेहतर तरीके से कॉलिंग कर सकें. तो बहरहाल और हाँ, एक थर्ड इसमें जो फीचर वो है ये सेमी एमोलेड पैनल इस पे मेंशन है. अब एमोलेड तो खैर आपको पता होगा, सुपर एमोलेड भी पता होगा. अब खैर सेमी एमोलेड जो है इसका क्या सिनेरियो है, क्यों इन्होंने इसको एमुलेट और सेमी एमुलेट है इसको बाद में हम डिस्कस करेंगे. फर्दर ये कि इसके पीछे एक जिसको मैंने इसको अभी तकरीबन येस्टरडे अराउंड मैंने इसको 19 सितंबर मैंने इसको परचेज़ किया और ऑनलाइन परचेज़ किया मैंने इसको. और इसमें एक पीछे इसके पूरी एक स्टोरी थी. तो वो स्टोरी इस तरह से है कि मैं क्योंकि मेरी अभी तक की ये सबसे पहली एक स्मार्ट वॉच है और मतलब एक प्रॉपर स्मार्ट वॉच जिसको आप कह सकते हैं, क्योंकि इससे पहले मैं एक चाइनीज़ आप एक कॉपी मैं यूज़ कर रहा था और उसका आई थिंक मॉडल था DT78, शायद आपको भी उसका आइडिया हो और काफ़ी कॉमन वॉच है वो. तो उसको मैंने तकरीबन वो मेरी पहली स्मार्ट वॉच थी, लेकिन स्मार्ट वॉच थी भी नहीं और वॉच थी भी. तो उसका खैर एक सिनेरियो ये था कि मैंने उसको पूरे एक साल यूज़ किया और उसमें आपको मतलब स्मार्ट जैसा कुछ चीज़ें तो कुछ भी नहीं थी क्योंकि ना तो आपका प्रॉपर उस पर कोई ऐप, उसके लिए एक वियर फिट की ऐप थी उसके थ्रू या तो आप ब्लूटूथ से कनेक्ट करते थे लेकिन उसमें प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं थी, फीचर्स बहुत लिमिटेड थे और प्रॉपर उसकी फंक्शनिंग भी नहीं थी आप. और मैंने उसको एक साल सिर्फ जस्ट आई थिंक टाइम देखने के लिए यूज़ किया और उसके अलावा उसका कोई फ़ायदा नहीं था. और मैं काफ़ी टाइम से एक अच्छी स्मार्ट वॉच लेना चाह रहा था जिसको आप एक
आप इसको प्रैक्टिकली भी एक प्रॉपर तरीके से यूज़ कर सकें, इस तरह की स्मार्ट वॉच होनी चाहिए थी। तो बाकी मैंने काफ़ी ज़्यादा इस पर सर्च भी किया, और इस पर जितनी भी अगर आप अच्छे ब्रांड्स ले लें तो उनकी जो अगर मिनिमम भी प्राइस स्टार्ट होती है, अगर किसी अच्छी स्मार्ट वॉच की बात करें तो वो अराउंड 30+ पे जाकर कोई आपको अच्छी वॉच मिलती है। और आजकल जो पाकिस्तान के हालात हैं, जो हमारी इकोनॉमी का है, और जिस तरह से डॉलर जो है वो आए दिन बस उसकी समझ नहीं आती, तो प्राइसेस तो बिल्कुल भी मतलब आपको समझ नहीं आती। और 30,000 भी मेरे ख्याल से आजकल के टाइम पे बहुत ज़्यादा ही है, और मैं खैर इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ परचेज़ करना भी नहीं चाह रहा था। तो खैर काफ़ी ज़्यादा सर्च करने के बाद मुझे ये प्रोडक्ट मिली, और काफ़ी कम प्राइस में मुझे प्रोडक्ट मिली है। और मतलब मैं ये कहूँगा कि जो फीचर्स जो फंक्शन इस वॉच के अंदर हैं, शायद अगर इसकी प्राइस आप के साथ इसको कंपेयर करें तो वाकई यकीन नहीं होता। मतलब IP68 वाटरप्रूफ, फिर स्लीप मॉनिटरिंग, और बाकी ये हार्ट रेट, SpO2 मॉनिटरिंग यानी कि आपकी ब्लड ऑक्सीजन, और ये फीचर भी वैसे जो है रिसेंटली जिस तरह से एक वो पेंडेमिक भी आई थी, कोविड भी आया उसके बाद, तो इस फीचर काफ़ी ज़्यादा लोगों ने यूज़ करना शुरू किया, तो ये भी फिर पहले तो इसको कोई देखता नहीं था। और इसके अलावा बाकी फीचर ये ब्रीथिंग ट्रेनिंग है, स्ट्रेस एंड इमोशन टेस्ट, अभी एक बिल्कुल एक यूनिक सा फीचर है स्ट्रेस एंड इमोशन टेस्ट, यानी कि ये आपकी इसके मुताबिक ये वॉच आपका जो आपके जो आपका जो मूड स्विंग्स होते हैं वो भी शायद ये आपको बता सकती है। आई डोंट नो किस तरीके से बताएगी, और सही बताएगी भी नहीं। खैर बाकी इसमें 30 डेज स्टैंड बाय इसका बैटरी टाइम है, कस्टमाइज डायल, बिल्ट इन गेम्स। अच्छा, इसमें इन्होंने गेम्स भी दे दी हैं आपको, एक छोटी सी वॉच के अंदर आप गेम्स भी प्ले कर सकते हैं, और वेदर फोरकास्ट, और इसके अलावा कैलकुलेटर। ये मैं थोड़ा सा आपको करीब करके दिखा रहा हूँ। तो खैर ये इसके बॉक्स के पीछे इसकी फीचर्स वगैरह मेंशन हैं, और ये है हमारी की सेलेक्ट KR। तो खैर ओपन तो मैं इसको ऑलरेडी कर चुका हूँ, और वैसे इसकी जो मैंने जिस तरीके से इसको मैंने परचेज़ किया है, और ऑनलाइन परचेज मैंने इसको किया है, तो उसके पीछे भी एक स्टोरी है, वो भी मैं वैसे आपको सुनाऊंगा। लेकिन पहले आपको मैं इसकी ये अनबॉक्सिंग दिखा रहा हूँ। ये इसके ऊपर एक कवर है, इसको साइड पे करें, और ये रही जी हमारी वॉच। इसको वैसे मैं ऑलरेडी जो है ना चार्ज भी मैंने इसको किया, तो अब ये इसके ऊपर से हम इसको उतार देंगे कवर, और ये देखें जी ये है हमारी वॉच, ठीक है। ये इसका बाय डिफ़ॉल्ट इसके ऊपर ये इसका इंटरफेस लगा हुआ है, एक वॉल पेपर या इसको जो भी कहते हैं। तो खैर ये मैंने इसको ऑलरेडी चार्ज किया था, वैसे जब मैंने ओपन की थी तो इसको ऑन किया तो तकरीबन 55% तक इसकी बैटरी थी, और उसके बाद मैंने इसको चार्ज किया, ओके इसको ऊपर किया, और ये यहाँ से हम इसका जो है मेन्यू भी चेंज कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। इस तरह से हम इसका मेन्यू, टॉर्च और बाकी जो फीचर्स होते हैं। तो खैर अभी तक मैंने इसको प्रॉपर टेस्ट किया नहीं है, लेकिन मैं इसको प्रॉपर टेस्ट करने के बाद भी आपके साथ इसकी एक रिव्यू शेयर करूँगा, इसकी प्रॉपर फंक्शनिंग के बाद, और क्या इसका बैटरी बैकअप वगैरह सारा कुछ। एक मैंने इसके लिए स्क्रीन प्रोटेक्टर भी जो है ऑर्डर किया हुआ, और ये इसका ऊपर से आप ग्लास देखें साइड से कर्व्ड है, तो वैसे आपको अगर इसको मैं ऑफ़ कर दूं तो ऐसे आपको मतलब फ़ील होता है कि शायद काफ़ी मतलब बेजललेस बिल्कुल आपको लगती है काफ़ी बड़ी स्क्रीन है, लेकिन जब आप इसको डिस्प्ले ऑन करते हैं तब आपको आईडिया होता है इसके बेजल्स का। तो खैर डिस्प्ले इसका एमोलेड तो नहीं, सेमी एमोलेड इन्होंने कहा है, लेकिन ये है कि मैं ये कहूँगा कि काफ़ी ज़्यादा इसका डिस्प्ले शार्प है, और मतलब आपको मतलब एमोलेड तो खैर अपनी जगह पे है, लेकिन एमोलेड से कम भी नहीं मैं कहूँगा इसको, अच्छा डिस्प्ले है। तो बहरहाल लेकिन जिस प्राइस रेंज में आपको ये वॉच मिलती है, मेरे ख्याल से ये कमाल कमाल चीज़ है। ये यहाँ पर इसके स्पीकर्स हैं, और ये इसका माइक है, ठीक है, यानी कि आप इसको अपने फ़ोन से कनेक्ट करके इसी के थ्रू आप कॉल सुन भी सकते हैं, कर भी सकते हैं, यहाँ से आपको आवाज़ आएगी, यहाँ से आपकी आवाज़ जाएगी। तो
ये है जी हमारी के सेलेक्ट के आर, ये इसका बॉक्स बाकी जिसके अंदर इसकी एक ये चार्जिंग वायर है और साथ इसका ये एक इन्होंने सारा इसका मैनुअल दिया हुआ है जिसमें इसके सारे फंक्शंस वगैरह हैं। तो बाकी इसको आप लाजमी वैसे पढ़ें क्योंकि अक्सर ये होता है कि वॉच जो है आपको समझ नहीं आ रही होती तो या कोई भी चीज़ है तो इसका फ़ायदा ही है। बेवजह तो खैर ये बॉक्स में होती भी नहीं है, फ़ायदा तो उसका है ही। तो खैर ये थी हमारी ये वॉच। इसके अलावा अब इसकी जैसे मैंने आपको बताया मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया था, अब उसकी स्टोरी क्या थी? उसकी स्टोरी ये है कि मैंने क्योंकि जब इस वॉच के रिव्यूज़ वगैरह देखे तो मुझे काफ़ी पसंद आई और मैंने मार्केट में ख़ुद भी फिज़िकली जाके चेक की। अब क्योंकि की सेलेक्ट के आर जो है ये शाओमी का सब ब्रांड है तो उस वजह से जो है इसकी आप कह लें कि मैंने जितने भी शाओमी के जो स्टोर्स वगैरह थे मेरे सराउंडिंग से सब पे मैंने पता किया। लेकिन इसमें थोड़ी सी मतलब अजीब बात ही मैं कहूँगा कि प्राइस सबकी मतलब कोई मुझे 11,000 कह रहा था, कोई मुझे 12, इवन के मैंने ऑनलाइन कुछ जगहों पे अराउंड 14,000 भी इसकी प्राइस देखी। तो खैर प्राइसेस जो हैं वो सबकी डिफरेंट थी। तो फिर ये हुआ कि मैं फेसबुक यूज़ कर रहा था और मुझे एक ऐड मिला, ऐड पे जब मैंने उसको ओपन किया तो वहाँ पर जो इसकी प्राइस आ रही थी वो एक तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव थी, ऊपर से वहाँ पर डिस्काउंट और सेल था, सेल उसके ऊपर मेंशन था जिसकी वजह से मैंने उसको ओपन किया लिंक और वहाँ से जाके जो इस वॉच की प्राइस थी वो थी सिर्फ और सिर्फ 9,500। अब 9,500 प्राइस मुझे काफ़ी मुनासिब लगी और मेरे ख्याल से जब ये वॉच न्यू बिल्कुल नई नई लॉन्च हुई तब भी शायद इसी कितनी ही प्राइस थी और साथ इसकी फ्री शिपिंग थी। तो खैर मैंने वहाँ से इसको ऑर्डर किया लेकिन उसके नीचे जो कमेंट्स थे वो काफ़ी ज़्यादा अराउंड 80% तो नेगेटिव थे जिसकी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा सोचना पड़ा कि मुझे वॉच यहाँ से ऑर्डर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और बेसिकली अब जहाँ से मैंने ऑर्डर की उस वेबसाइट का नाम था जी ये थी वेबसाइट, ये इसका बॉक्स है priceoy.pk, यहाँ से मैंने इसको ऑर्डर किया। लेकिन जितने मैंने नेगेटिव कमेंट्स पढ़े उसके बाद तो मतलब जब तक ये मुझे मिली नहीं है और मैंने इसको ऑन नहीं कर लिया तब तक मुझे बस समझे आप टेंशन ही थी कि यार पता नहीं क्या आएगा। लेकिन खैर priceoy.pk से मैंने इसको परचेज़ किया। यूट्यूब पर अलबत्ता इसके काफ़ी कुछ पॉजिटिव मुझे कुछ लोगों के फीडबैक्स मिले जिसके बाद मैंने सोचा कि ठीक है यार अब मंगवा ली है तो आते हैं फिर देखते हैं क्या होता है। लेकिन ये इसकी पैकिंग थी, इसके अंदर ये पैकिंग है इसकी सारी और ये बॉक्स की सील जो ऊपर थी और बाकी ये है इसको यार इसको पता नहीं अब क्या कहते हैं, ये वही है यार वो जो ये टक टक ये वैसे हम बचपन में खेलते होते थे इसके साथ। खैर काफ़ी अच्छी पैकिंग थी तो ये इसकी पैकिंग के अंदर एक इसका ये था कार्ड जिसके ऊपर उन्होंने कुछ चीज़ें मेंशन की हुई हैं और के मतलब एक इनकी चीज़ थोड़ी सी अलग सी लगी मुझे वो ये थी कि इन्होंने कहा जो डिलीवरी बॉय था उसने कहा कि आपने जी अनबॉक्स करते हुए इसकी वीडियो बनानी है और एक उन्होंने मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर दिया था जब मेरा ऑर्डर कंफर्म किया था उसके लिए जब उन्होंने मुझे कॉल की थी उन्होंने मुझे अपना एक व्हाट्सएप नंबर दिया था उसमें उन्होंने कहा था कि आपने अपनी जो है अनबॉक्स करते हुए वीडियो बना के शेयर करनी है तभी आपकी कोई अगर कल को क्लेम आता है तो वो आप उस पर एक्सेप्ट होगा। तो खैर जैसे उन्होंने कहा फिर भाई कर दिया क्लेम, जो भी क्लेम तो नहीं खैर वीडियो बना के भेज दिया। तो बाकी अल्लाह खैर करे, मसला तो कोई नहीं है वॉच में, वॉच बिल्कुल वैसे नहीं है, बिल्कुल न्यू वॉच है, नहीं तो आपको पता ही है पहले क्या क्या होता रहा यार, डब्बे में से मंगवाते फ़ोन थे निकलते पत्थर थे, अब पता नहीं सुनने वाली बातें हैं। खैर मेरा एक्सपीरियंस तो खैर इसके साथ यार ये अच्छा ही था, मतलब ये प्रॉपर आपके सामने है और खाली ये बॉक्स भी नहीं था, बॉक्स के साथ प्रॉपर एक पैकिंग और भी थी तो वो मैं आपको नहीं अभी दिखा रहा, उस पर मेरा ज़ाहिर बात है मेरा नाम मेरा कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस भी अगर का तो एम ही यार आप लोग मुझे
मिस कॉल्स करते रहोगे। तो खैर ये थी जी मेरी की सेलेक्ट के आर, जो कि मुझे सिर्फ 9,500 में मिली है, ऑनलाइन परचेज़ किया है विदाउट एनी शिपिंग चार्जेस। और खैर ये मेरा प्राइस ओए के साथ अगर मैं कहूँ तो ये मेरा पहली परचेज़ है मेरी अभी ये। तो कुछ मैंने वैसे जो ऐड के नीचे कमेंट्स पढ़े थे उसमें कुछ पॉजिटिव भी वैसे थे, लेकिन ज़्यादातर नेगेटिव थे। अब खैर पता नहीं क्या चक्कर होगा, पता मेरा तो जो एक्सपीरियंस है वो अच्छा ही रहा है इसके साथ। तो खैर अभी इसको यूज़ करेंगे मज़ीद, इसको मैं यूज़ करके कुछ दिनों तक आपको अपना फीडबैक दूंगा कि क्या इस वॉच का रिस्पॉन्स आता है और क्या आपको ये परचेज़ करनी चाहिए। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप इस टाइम पे पूरी अगर आप मार्केट देख लें जितने भी ब्रांड्स हैं वॉचेस में, मैं समझता हूँ कि मतलब सिर्फ 10,000 आपको मेरा नहीं ख्याल कि इससे अच्छी वॉच शायद कोई मिल सकती है, वो भी जिसके अंदर आपको कॉलिंग फीचर भी मिल रहा है। अगर आपको कॉलिंग फीचर चाहिए तो आपको तकरीबन 30-35,000 प्लस में जाके आपको कोई ना कोई कोई ब्रांड आपको परचेज़ करना पड़ेगा। तो यकीनन इसका एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इसका। और बाकी शाओमी का सब ब्रांड है तो मेरे ख्याल से मतलब ट्रस्ट किया जा सकता है। बाकी वैसे एक इसमें थोड़ा सा मैंने एक चीज़ देखी है कि मार्केट के अंदर जो है जिससे भी मैंने पूछा है यहाँ पे, क्योंकि मैंने मार्केट में जो इसके ये पैकिंग देखी थी उसके यहाँ पे एक स्टिकर था, उस पर 6 मंथ की एक इंटरनेशनल वारंटी यहाँ पे मेंशन थी। आई डोंट नो 6 मंथ थी कि 1 ईयर थी, लेकिन जो शाओमी स्टोर्स पे जो वॉच थी वो उसको सिर्फ 7 डेज़ की चेक वारंटी आपको दे रहे थे। तो खैर 7 डेज़ भी यार ठीक है, अब एक चीज़ ली है अब उसको यूज़ करते हैं। खैर इस पे मैंने प्रोटेक्टर भी एक इंस्टॉल करना है, वो भी मैंने वैसे ऑर्डर किया हुआ है दराज से, तकरीबन मुझे कॉस्ट किया वो 250 का नहीं 300 का। तो खैर वो प्रोटेक्टर लगाऊंगा और इसको फिर यूज़ करके देखेंगे, क्योंकि मुझे आई थिंक सो कि इस पर स्क्रैचेस इजीली आ जाएंगे। यस, क्योंकि इस पर कहीं मेंशन नहीं है इसके बॉक्स पे भी कि इस खैर इस पे प्रोटेक्टर मैं लगवा लूँगा। तो खैर ये था मेरा ओवरऑल एक अनबॉक्सिंग वीडियो थी आपके साथ। और बाकी एट द एंड मैं फिर यही कहूँगा अगेन कि आपने मेरे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, मुझे लाजमी सपोर्ट करना है ताकि मैं मज़ीद अच्छी से अच्छी बेहतर से बेहतर वीडियोस आपके साथ शेयर कर सकूँ। और हाँ लाइक ज़रूर कीजिए वीडियो को, मज़ीद आगे शेयर कीजिए और कमेंट्स में मुझे सजेशंस वगैरह रिकमेंडेशंस लाजमी दीजिए ताकि मैं बेहतर और बेहतर तरीके से जो है आपके साथ वीडियोस जो है या डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर ठीक है आपके समय शेयर कर सकूं। और बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ या किसी और इंटरेस्टिंग किसी भी चीज़ के साथ। तो तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।